सो हे गाइस, दोस्तों वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण और आज की इस नए वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं सिनेमैटिक मिनी ब्लॉग्स, जो कि गाइस आजकल के टाइम पे इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। एंड गाइस, मैंने अभी तक इंस्टाग्राम पे इतने सारे अकाउंट्स देख लिए हैं सिनेमैटिक मिनी ब्लॉग्स के ऊपर कि गाइस लोगों के मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं। एंड जिसको देख के गाइस मेरे का भी मन हुआ कि मैं आप लोगों को भी सिखाऊं, क्योंकि गाइस मेरा काम तो यही है कि आप लोगों को जो भी ट्रेंड आए आप लोगों को वो सब सिखाना। तो आप लोगों को आज की इस वीडियो में मैं आपको तीन स्टेप ऐसे बताऊंगा जिसमें गाइस आपकी जो है मतलब कि मिनी ब्लॉग्स आप कितने अच्छे तरीके से आप बना के अपलोड कर सकते हो। एंड इसमें गाइस बहुत सारी चीज़ें मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। एंड यहाँ पे गाइस जो तीन मेन टिप्स होंगे गाइस वो मैं आपको बताऊंगा। एंड इनमें से जो थर्ड वाली जो टिप है ना गाइस, ये आपको जरूर बताना चाहिए। इससे गाइस आपकी जो रील है गाइस एकदम नेक्स्ट लेवल जाएगी। एंड जो आपकी सिनेमैटिक मिनी ब्लॉग होगा उसमें भी गाइस जितना वैल्यू ऐड कर पाओगे गाइस आप लोग की वीडियो 100% वहाँ पे वायरल जाएगी जाएगी। बस आप लोग को उस पॉइंट तक वहाँ पे वेट करना है। एंड आपको गाइस जो भी मैं पॉइंट बताऊंगा सबको ध्यान से सुनना है। एंड जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा सबको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पॉइंट नंबर हमारा वन है कट टू कट। अब गाइस देखिए, कट टू कट से आप समझे गए यहाँ पे, आपको पहले मैं ये समझाता हूँ। तो गाइस देखिए, कट टू कट में होता क्या है कि गाइस आप लोगों ने एक ब्लॉग बनाया, अब आपको उसमें रखना सारे मेन पॉइंट। जैसे गाइस मैंने चाय का प्लान बनाया था अपने दोस्तों के साथ अभी कुछ दिन पहले, तो वहाँ पे गाइस मेरी नज़र चली गई सनसेट की। तो वहाँ पे गाइस मैंने वीडियो को शूट कैसे करा अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कट टू कट का मतलब। तो गाइस देखिए, जैसे ही मेरे दोस्तों ने चाय निकाली वहाँ पे, तो मैंने एक कट ले लिया वहाँ का, ठीक है, शूट ले लिया मैंने वहाँ का। उसके बाद गाइस जब मैंने चाय को उठाया तो मैंने एक शॉट ले लिया वहाँ का, ठीक है। सेकंड शॉट गाइस जब मैंने ले लिया, जब मैंने चाय को पीने लगा, तो मैंने थर्ड शॉट वहाँ का ले लिया, ठीक है। तो ऐसे ही गाइस आप लोगों को करना क्या है गाइस, अगर आप लोगों को जब कट टू कट लेना है, मतलब आप जब व्लॉग को शूट करोगे, तो आप लोगों को जैसे कि मतलब कि आप लोग ये कोशिश रखना आपकी जो आपका जो व्लॉग में आप मेन चीज़ दिखाना चाहते हो वो आपको रखना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप बाहर जा रहे हो कहीं घूमने के लिए, तो सबसे पहले गाइस आप अपने घर से निकलते वक्त का एक कट ले लो, ठीक है, एक शॉट ले लो गाइस, ठीक है। कट बोल रहा हूँ तो गाइस आप लोगों को शायद कन्फ्यूजन भी हो रही होगी, तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ आपको शॉट ले लेना गाइस, ठीक है। आप अपने दोस्त से मिल रहे हो तो एक शॉट आप वहाँ का ले लिया। और उसके बाद गाइस मान लीजिए बस से जा रहे हो या आप ट्रेन से जा रहे हो या मेट्रो से जा रहे हो, तो आपने वहाँ से टोकन लिया, टिकट लिया, जो भी, तो एक शॉट ले लो वहाँ का, ठीक है। एंड उसके बाद जिस भी आप पार्क में जा रहे हो या किसी जगह पे घूमने जा रहे हो, वहाँ पे अगर आपको टोकन मिलता है, वहाँ पे कहीं एंट्री का वो होता है, फ्री है तो अच्छी बात है, अगर आपको मिलता है कोई टोकन वगैरह, तो एक कट आप वहाँ का ले लो। बाकी उसके अंदर जहाँ भी आप घूमने गए हो वहाँ के गाइस आप मेन शॉट ले लो। तो गाइस ये हो गया हमारा कट टू कट, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। अब चलते गाइस अपने हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बस पॉइंट नंबर टू है हमारा एडिटिंग। तो गाइस एडिटिंग का जो पार्ट है गाइस मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट है गाइस, मेरे को एडिटिंग करना बहुत पसंद है, ठीक है। अब आप लोग ये मत सोचना मेरे को पसंद है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि गाइस मेरे को एडिटिंग का पार्ट पसंद इसलिए है गाइस क्योंकि मैं क्या कि गाइस मैं कभी कोई व्लॉग शूट करके लाता हूँ ना, तो गाइस मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आता है उसमें, ठीक है। वो गाइस क्यों? क्योंकि गाइस मेरे को मतलब एक तो मतलब मेरे पास फ़ोन है, ठीक है, मैं फ़ोन से शूट करता हूँ, मेरे को क्वालिटी में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। बट गाइस मेरे को मज़ा जब आता है जब मैं उसमें एडिटिंग कर लेता हूँ, मैं उसमें एडिटिंग करके ऐसी जान डाल देता हूँ वीडियो में कि गाइस एडिटिंग ही ऐसा पार्ट है आपकी किसी भी बेकार चीज़ में, वो ऐसी जान डाल सकता है कि आपकी वीडियो को अगर वायरल नहीं भी होना होगा तो भी वो वीडियो वायरल होगी। बस आपकी एडिटिंग जो है वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तो गाइस एडिटिंग के लिए आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे आपको प्ले स्टोर पर काफ़ी सारे ऐप मिल जाएंगे। एंड अगर आपको उसका मॉडरेट वर्जन चाहिए तो आपको पता है आपको कहाँ जाना है, तो आप लोग वहाँ से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हो। बट गाइस यहाँ पे कभी मैं प्ले स्टोर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे गाइस मैं प्ले स्टोर से मैं एक ही ऐप का यूज़ करता हूँ, वो है कोलोरो ऐप। यहाँ पे गाइस कोई भी मैं पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ गाइस वो मैं गाइस एकदम दिल ठोक के आपको बताता हूँ ना, मैं बिना डरे बताता हूँ गाइस, ठीक है, क्योंकि मैं उस चीज़ का यूज़ करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि गाइस जो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ वो आप भी यूज़ करें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोलोरो ऐप, इससे मैं एडिटिंग करता हूँ। एंड ये जो मैंने अपना मिनी ब्लॉग बनाया था ये भी मैंने इसी से शूट किया था, मतलब शूट नहीं गाइस एडिट किया था। अब यहाँ पे गाइस पता नहीं क्या हो रहा है, मैं समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बोल रहा हूँ बार बार, बीच बीच में गाइस कट मैं भी ले रहा हूँ बहुत, पता नहीं क्यों। तो गाइस ये था हमारा एडिटिंग का प्रोसेस। तो अब आप चलते तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा ऑडियो। अब गाइस देखिए ऑडियो, अब मान लीजिए गाइस आप लोग बनाते हो व्लॉग, ठीक है, अब मिनी व्लॉग में करते हो वॉइस ओवर। अब गाइस वॉइस ओवर करते हो बट गाइस आप लोगों को यही नहीं पता कि गाइस आप लोगों को एकदम क्वालिटी कंटेंट कैसे देना है, मतलब क्वालिटी वॉइस कैसे देनी है जिसमें गाइस बैकग्राउंड नॉइज ना हो एंड गाइस आपकी वॉइस ऐसी हो कि आप एकदम बिना ईयरफोन्स के भी उनको सुनाई दे। तो आपको गाइस यहाँ पे आपको करना है कि गाइस आप लोगों को कोई भी अच्छा सा माइक खरीद लेना है। यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप 10-12 हज़ार का कोई माइक खरीदो, माइक गाइस सस्ते भी आते हैं। ये वाला जो माइक मैं यूज़ कर रहा हूँ वो गाइस सिर्फ 300 रुपये का माइक है। अगर आप ये खरीदना चाहते हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग ये वाला माइक भी बाय कर लेना। बाकी गाइस यही था हमारा आज का प्रोसेस, एंड एडिटिंग का प्रोसेस, शूट का प्रोसेस, इन तीनों में से गाइस कोई भी अगर कंप्लीट वीडियो अगर आपको चाहिए, अगर आपको कोई भी चीज़ अगर इसमें अच्छे से नहीं समझ आई हो और आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर कोई वीडियो बनाऊं,
तो आप नीचे कमेंट जरूर कर देना गाइस, तभी मैं आप लोगों के लिए अगले वीडियोस के ऊपर लेकर आ पाऊंगा। तो नीचे कमेंट जरूर करना, मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ूंगा गाइस। सुबह सुबह उठते मैं कमेंट पढ़ता हूं और मैं चाहता हूं कि गाइस इस वीडियो का कमेंट मैं अगले दिन पढ़ूं। तो गाइस आप लोग नीचे कमेंट जरूर करना। बाकी चले गए आज की इस नई वीडियो में, यहीं तक था हमारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।